सनातन धर्म के मान्यता अनुसार गंगा नदी स्वर्ग में बहा करती थी, जिसे पृथ्वी पर राजा भगीरथ ने लाया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। यही कारण है कि सोमवार को गंगा दशहरा मनाया गया। आज के दिन सनातन धर्म को मानने वाले गंगा स्नान कर भगीरथ की पूजा करते हैं, जिसके बाद गंगा की पूजा कर अभिषेक हवन आदि का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी को देव की नदी कहा जाता है। जहां जहां गंगा नदी बहती है वहां वहां गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। गौमुख गंगोत्री से निकली गंगा कई राज्यों एवं शहरों से होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा सागर पर समुद्र से मिलती है। पर गंगा दशहरा का यह मौका ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जब गंगा घाट पर डुबकी लगाने वालों की संख्या ना के बराबर दिखी। हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद एवं पटना में भी उत्सव का कोई माहौल नहीं दिखा। जहां गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा रहता था, वहीं आज गिने चुने श्रद्धालु ही दिखे। इधर भागलपुर के गंगा घाटों पर माहौल उत्सव सा दिखा। लॉकडाउन एवं कोरोना संकट के बावजूद भक्तों एवं अन्य लोगों ने गंगा में डुबकी लगाया। सीढ़ी घाट, बरारी घाट एवं बूढ़ानाथ घाट पर भी लोग गंगा दशहरा के मौके पर माँ गंगा की आरती उतारने एवं स्नान करने भारी मात्रा में पहुंचे। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच सभी कामों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार के आदेश और दिशा निर्देश का पालन करते हुए लगाई गई पाबंदियों में रियायतें दे दी है। सोमवार को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले की सभी दुकानें खुली। वहीं भागलपुर के मुख्य बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लोगों ने खरीदारी की। अनलॉक के पहले दिन शहर में दिन भर रुक रुक कर जाम भी लगता रहा। इधर लॉकडाउन के दौरान यातायात परिचालन पर लगाए गए सारे प्रतिबंध सुबह समाप्त होने के बाद वाहनों की लंबी लाइन सड़कों पर दिखी। वहीं सूबे में अनलॉक 1 लागू होने के बाद कैसा दिखा भागलपुर का बाजार, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। अनलॉक के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर और आप देख सकते हैं डीएन सिंह रोड की तस्वीर कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जो अनलॉक 1 किया गया है उसमें किस तरह से लोगों की भीड़, लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाज़ार की तरफ आए हैं और दुकानों से सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस अनलॉक वन में सभी दुकानों को 9 बजे रात तक खोलने की छूट दी गई है और ख़ास बात यह है कि ये दुकानें सप्ताह में 7 दिन अब खुलेंगी और लोग खरीदारी कर सकेंगे। भागलपुर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं खलीफाबाग चौराहे से कि किस तरीके से लोग जो छूट मिली है उसके बाद सड़क पर निकले हैं और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। साथ ही बात करें दूसरी तरफ तो आइसक्रीम पार्लर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का जो आइसक्रीम पार्लर था पिछले 2 माह से बंद था, लेकिन इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से युवा और जो छात्र छात्राएं हैं वो आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पर लेने के लिए वह खड़े हुए हैं, कतारबद्ध है और आइसक्रीम का इस गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में मज़ा ले रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जो यातायात है, यातायात जो व्यवस्था है वह पुलिस प्रशासन हालांकि मौजूद है सड़कों पर, लेकिन यात्री काफ़ी संख्या में निकले हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या में भागलपुर में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं और अपने अपने घरों से बाहर अपने निकल रहे हैं, सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको सड़क की तस्वीर दिखाते हैं कि कहीं कहीं पर भागलपुर में रुक रुक कर जाम भी लग रहा है और जाम की भी स्थिति है। सिल्क टीवी आप सभी लोगों से अपील करती है कि जो अनलॉक सरकार की तरफ से किया गया है, जो ढील दी गई है, जो छूट दी गई है, उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। हालांकि यह छूट कंटेनमेंट जोन में नहीं दी गई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। पुलिस जिला नवगछिया का कुख्यात अपराधी चंदन कुंवर को स्पेशल टीम ने उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी के पास से एक ऑटोमेटिक राइफल, 2 देसी कट्टा, 30 जिंदा कारतूस और 6 SLR की गोली को पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल दियारा क्षेत्र में किसानों को डरा धमकाकर फसल लूटे जाने की शिकायत मिलने के बाद SDPO परवेंद्र भारती के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया, जिसके बाद छापेमारी टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने अपराधी चंदन कुंवर के वासा की घेराबंदी कर दी।
वहीं काफी संख्या में पुलिस बल को देख अपराधी चंदन कुंवर, गोपाल चौधरी, पुरुषोत्तम सिंह और सोनू कुमार ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चारों अपराधी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुख्यात अपराधी चंदन कुंवर पर हत्या समेत 13 कांड दर्ज है, जिसमें वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। वहीं अन्य तीनों अपराधी भी हत्या समेत कई जघन्य कांडों में संलिप्त हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवार को भागलपुर से कई बसें चलाई गई। जिला वाहन कोषांग से बस आने के बाद सबसे पहले उसकी सफाई कर सैनिटाइज किया गया, फिर यात्रियों को बैठाकर दूसरे जिला पहुंचाया गया। परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम नारायण दुबे ने बताया कि आज भागलपुर बस स्टैंड से पूर्णिया के लिए 2 और बांका जिला के लिए 2 बसें चलाई गई हैं। वहीं समयपाल प्रभारी उमाशंकर सिंह ने कहा कि टिकट काउंटर सुबह से ही खोल दिया गया था, लेकिन काफी कम संख्या में यात्री टिकट लेने पहुंचे। इधर परिवहन विभाग एवं बस स्टैंड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट मानवेंद्र ने बताया कि सरकारी बस स्टैंड आने जाने वाले सभी यात्रियों से मास्क पहनकर यात्रा करने का आग्रह किया जा रहा है। आज गाड़ी हमारे द्वारा जो है स्टैंड पर 10 गाड़ी लगाई गई, सारे गाड़ी को साफ सफाइया कराए, सबको सैनिटाइज किए और पूर्णिया के लिए 2 गाड़ी, बांका के लिए 2 गाड़ी स्टैंड पर लगवाए और सब गाड़ी कतारबद्ध में खड़ी थी। सवारी पूर्णिया फर्स्ट गाड़ी में मात्र 4 सवारी हुआ, जिसको कि पैसेंजर को भी हम लोग संवाहक और चालक को भी निर्देश दिए हैं कि मास्क अपने भी पहनिए, पैसेंजर को भी बिना मास्क का गाड़ी पर नहीं चढ़ावें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ही चलना है, सीट से ज्यादा पैसेंजर लेना भी नहीं है। सूबे में अनलॉक का असर साफ देखा जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के पथ परिवहन विभाग के बस स्टैंड में और आप हम को दिखाना चाहते हैं यहाँ से कि जहाँ देखिए कई बसें लगी हुई है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे जिले में जाने के लिए बसें लगी हुई है और यहाँ से भागलपुर से पूर्णिया और बांका के लिए सुबह से कई बस खुली है और यात्रियों की अगर बात करें तो काफ़ी कम संख्या में यहाँ से यात्री बसों पर सवार होकर के गए, लेकिन धीरे धीरे जो कोरोना का भय है, जो कोरोना का खौफ है वो कम होता जा रहा है और अनलॉक के बाद पथ परिवहन विभाग की ओर से बसें चलाई गई है भागलपुर से पूर्णिया के लिए, बांका के लिए और अन्य जिलों के लिए भी बस लगातार चलाई जाने की बात यहाँ के प्रबंधक ने कही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। बिना बरसात के भागलपुर स्मार्ट सिटी का दक्षिणी क्षेत्र इन दिनों नरक बना हुआ है। सोमवार को भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं नगर निगम की ओर से सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई और नगर निगम प्रशासन ने सफाई कर्मियों से बिना मास्क और ग्लव्स के ही नाले की सफाई करवाई। गौरतलब हो कि भोलानाथ पुल के नीचे वर्षों से जल जमाव की समस्या है, लेकिन इसके निदान के लिए ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही नगर निगम कोई कदम उठा रहा है। ऐसे में प्रतिदिन दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग को निगम की तरफ से सर कुछ नहीं मिला, ना ग्लव्स मिला है, ना मास्क मिला है, कुछ नहीं मिला है सर। तो आप लोग शिकायत नहीं किए इसका? हाँ, हम लोग बोलते हैं सर, बोलता है सिर्फ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उसका आगे कुछ नहीं। क्या आपका वार्ड कितना है? 48 सर। क्या नाम है उनका? किसका सर? वार्ड पार्षद का? वार्ड पार्षद का नाम पता नहीं है सर। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन।
मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था, लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, non-AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। लॉकडाउन में छूट के बाद सरकारी नियम और जिला प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं करना भागलपुर के 2 दुकानदारों को महंगा पड़ गया। दरअसल सोमवार से सूबे में अनलॉक 1 लागू किया गया है, जिसके तहत दुकानदारों को सप्ताह में 7 दिन दुकान खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है। वहीं खलीपाबाग चौक के समीप आइसक्रीम पार्लर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद कोतवाली थाना की पुलिस ने दोनों दुकानों को बंद करा दिया। कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने बताया कि जो लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस जवानों ने खलीपाबाग चौक के समीप सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए दुकान खोलने की बात कही। इस दौरान अमर विश्वास ने आम लोगों से मास्क पहनने और बेतरतीब ढंग से वाहन नहीं लगाने की अपील की। वहीं दोनों दुकानदारों को पुलिस ने थाना में जाकर बॉन्ड भरने की बात कही है। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज इलाके में रविवार की देर शाम आपसी रंजिश को लेकर दोस्त ने ही अपने दोस्त और उसके चाचा को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रमन यादव और राजेश यादव अपने पिता कपिलेश्वर यादव से मिलकर बाइक से लौट रहा था, तभी रास्ते में सुंदरवन के समीप घात लगाए बदमाशों ने रमन यादव को सीने में गोली मार दी। वहीं बाइक से गिरने के बाद हमलावरों ने चाकू से भी हमला किया। रमन को बचाने के दौरान बदमाशों ने राजेश के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन एवं स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलते ही CTDSP राजवंश सिंह बरारी थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों से घटना के संबंध में जानकारी ली। CTDSP ने बताया कि घायलों ने मायागंज के घुटरा यादव और बबुआ मियां पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। नवगछिया के इस्माइलपुर में बांध निर्माण का कार्य करा रहे संवेदक के मुंशी के द्वारा ग्रामीणों को गाली गलौज करना महंगा पड़ गया।
जिसको लेकर ग्रामीणों ने संवेदक द्वारा कार्यों में अनियमितता बरतने की शिकायत गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल से की, जिसके बाद सोमवार को कार्य का जायजा लेने विधायक जी खुद इस्माइलपुर पहुंच गए। बता दें कि संवेदक के मुंशी से ग्रामीणों ने कार्य अच्छे से करने की बात कही थी, जिससे नाराज मुंशी ग्रामीणों को हनक दिखाते हुए गाली गलौज करने लगा। मामले को लेकर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि इस पर संख्या 9 पर एंटी डोजन का कार्य सही चल रहा है, वहीं मुंशी को भी ग्रामीणों से सही तरीके से पेश आने की बात कही गई। हमरा सबका यह है कि 150 मीटर यार आगू बढ़ाए दिए और न जो बढ़ेबे तो टोला बसते न उ कटी जे कौन सा टोला कट जाएगा कौन सा तीन टोली तीन टेंगा। क्षेत्र के भ्रमण के नहीं आए थे हम, आए थे खास करके बिनटोली गांव के निकलिए, ये एंटी रोजन का ठोकर का निर्माण कार्य चल रहा है उसी को देखने के लिए। हमारा एक कार्यकर्ता गया था सुबह, तो वहाँ जो ठेकेदार का मुंशी है ना, यानी कहता है हम ठेकेदार का साला, तो वही ठेकेदार तो है भी नहीं वो, लेकिन वही काम करता है, तो उनको धमकी उमकी जितेंद्र मंडल को दिया कि जहाँ जाना है जाइए, जो मन में होगा वही करेंगे। तो कहाँ जाएगा, हमको फ़ोन लगाया, हम चले फ़ोन पर, लेकिन थोड़ा विलम्ब से आए, वो लोग हट गया है बगले अगल में, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ ही लेंगे। विभाग को बोल दिया है कौन है नहीं है, पता करके रखिए और उसको बुला के रखिए, बुला के रखेगा तो कल फिर हम आएंगे, फ़ोन हमको रिसीव करेगा, आएंगे उनसे बतियाएंगे भाई टेढ़ा का होने का क्या ज़रूरत है। नवगछिया नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को वार्ड पार्षदों द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया। वार्ड पार्षदों ने सांकेतिक धरना के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। पार्षदों ने बताया कि नगर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, साथ ही शहर में स्वच्छ पानी की भी किल्लत है। धरना में शामिल पार्षदों ने कहा कि शहर में साफ सफाई बनाए रखने के लिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए वार्ड में ब्लीचिंग पाउडर एवं सैनिटाइजर की छिड़काव पर भी पार्षदों ने अपना बात रखा। नगर निगम प्रशासन से अविलंब जवाब मांगा। साथ ही पार्षदों ने आवास योजना एवं राशन कार्ड की समस्या के साथ साथ प्रत्येक वार्ड में बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की। धरना में शामिल पार्षद मुकेश राणा ने कहा कि बाजार में शौचालय की सुविधा नहीं है और जो भी शौचालय है वह उपयोग करने लायक नहीं है, जिसके कारण बाजार आए ग्राहकों को काफी परेशानी होती है, इसीलिए नगर क्षेत्र में अविलंब शौचालय शुरू करवाया जाए। सांकेतिक धरना में नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद अभिषेक रमन, अजय कुमार, विनोद सिंह, क्लीन नवगछिया, ग्रीन नवगछिया के मीडिया प्रभारी अशोक केडिया समेत कई पार्षद शामिल थे। वी केयर की ओर से भागलपुर मायागंज अस्पताल में 15 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया, जिससे जरूरतमंद लोगों को जरूरत पड़ने पर रक्त चढ़ाया जा सके। शिविर के अंतिम दिन 37 लोगों ने रक्तदान कर आम लोगों को बढ़ चढ़ कर रक्तदान करने की अपील की। संस्था के अध्यक्ष नितेश चौबे एवं संस्थापक सदस्य गौतम चौबे ने कहा कि संस्था द्वारा 185 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही कहा कि कोरोना काल में सभी कामकाज ठप हो गया है, लेकिन संस्था अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगातार लोगों की सेवा में तत्पर है। संस्था के सदस्यों ने भी रक्तदान कर लोगों को संदेश दिया। इस मौके पर अनंत पांडे, शिवानी प्रिया, ऋषि राज, रवि बसाक, ममता समेत कई सदस्य एवं रक्तदाता मौजूद थे। बांका धोरैया थाना क्षेत्र के लाहौरिया पावर ग्रिड के समीप बहियार में एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के कई लोगों ने मिलकर गांव के 45 वर्षीय इंद्रदेव यादव की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही धोरैया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों ने मामूली विवाद में गला दबाकर हत्या करने की बात कही है। पीरपैती के NH-80 परसबन्ना के समीप अनियंत्रित मिनी हाइवा ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे साइकिल चालक 35 वर्षीय वीरेंद्र टुडू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में वीरेंद्र टुडू को राहगीरों ने पीरपैती रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल का इलाज किया। वीरेंद्र टुडू ने बताया कि वह मिथुरापुर से मिर्जा चौक की साइकिल से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार हाइवा ने उसे टक्कर मार दी। गौरतलब हो कि जिले में जगह जगह आए दिन सड़क दुर्घटना होती है, जिससे कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।